अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एंजाइम, उसको डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन देखेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर मैकेनिज्म देखेंगे एंजाइम एक्शन, ये किस मैकेनिज्म के थ्रू एंजाइम हमारे बॉडी में एक्शन कर रहा है। उसके बाद हम स्पेसिफिसिटी देखेंगे एंजाइम की। फिर इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज उसको भी सॉल्व करेंगे। ये एक जनरल डायग्राम है एंजाइम एक्शन की, इसे देखते हैं। दिस इज एंजाइम, दिस मॉलिक्यूल्स आर सबस्ट्रेट, दिस इज एंजाइम एंड दिस मॉलिक्यूल्स आर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट आर बेसिकली रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच हो रहा है। ये जो साइट्स बनी हुई हैं यहाँ पे, ये इसे क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। और क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देन ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर ये प्रोडक्ट डिटैच रहेंगे एंजाइम से और एंजाइम अपनी ओरिजिनल कंडीशन में दोबारा से वापस आ जाएगा। तो एंजाइम फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में, और ख़ुद यूज़ नहीं हो रहा, खुद इन दी एंड एज इट इज़ जैसे वो स्टार्ट में था। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है जिस तरह एंजाइम एक्शन का। ओके, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेसिकली एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बिटवीन अ लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अगर किसी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है इट मींस वो क्या है, लिविंग। और किसी बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है, मेटाबॉलिज्म एब्सेंट है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, इट मींस वो क्या है, नॉन लिविंग या डेड। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स, दे कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जो मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म हो। कैसे फॉर्म होगा लार्ज मॉलिक्यूल, सिंपलर सब्सटेंसेस से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एज अ रिएक्टेंट कंबाइंड होंगे और क्या बनेगा, प्रोडक्ट में एक लार्ज मॉलिक्यूल। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन। और इस तरह के मेटाबॉलिज्म को हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का गोल क्या है, इसके जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ यूज़ होंगे, इसका गोल क्या है, टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल और बॉडी। सेल का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा ये रिएक्शन, और बॉडी का। अगर सेल का स्ट्रक्चर बन रहा है, अल्टीमेटली किसका स्ट्रक्चर बनेगा, बॉडी का, क्योंकि बॉडी बनी ही किससे है, सेल से। उसके अलावा जो दूसरी टाइप है, डिस्ट्रक्टिव टाइप, उसमें क्या होगा कि एक लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। एक लार्ज मॉलिक्यूल एज अ रिएक्टेंट एक्ट करेगा और क्या होगा, उसकी ब्रेक डाउन होगी और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस टाइप के मेटाबॉलिज्म को हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का गोल क्या हो सकता है, या तो इस रिएक्शन के एंड में एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, कि इसका गोल ये है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए बॉडी में, या फिर क्या हो सकता है कि रीयूटिलाइज हो जाए। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बने हैं उन्हें बॉडी क्या कर ले, दोबारा से रीयूज़ कर ले। या एक और गोल क्या हो सकता है, टू डिस्कार्ड, कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें क्या किया जाए, ईजिली बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाए। क्योंकि जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं उनकी एलिमिनेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है बॉडी से। तो उसका, इस रिएक्शन के थ्रू क्या हुआ, वो लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो स्मॉल सिंपलर सब्सटेंसेस में, और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ईजिली एलिमिनेट हो सकते हैं बॉडी से। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन, और प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, द केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर कंडीशन। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन हर कंडीशन पर नहीं होते, उनके लिए हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके वो केमिकल रिएक्शन होते हैं। स्पेशली टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन ऐसी है जो
हर टेम्परेचर या हर प्रेशर पर केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ एक सूटेबल टेम्परेचर देना होगा, सूटेबल प्रेशर देना होगा, तब जाके वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा। अच्छा, लेकिन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द सेल और ऑर्गेनिज्म आर जनरली फाउंड नॉट सूटेबल। जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन एक लिविंग सेल में है वो सूटेबल नहीं है केमिकल रिएक्शन के लिए। जैसे कि ह्यूमन सेल में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या है नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो इस टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है बॉडी का और प्रेशर भी, तो अब हर केमिकल रिएक्शन इस टेम्परेचर और प्रेशर पर नहीं होगा। फिर क्या, लेकिन केमिकल रिएक्शंस तो हो रहे हैं बॉडी में, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं बॉडी में, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी, और इस टेम्परेचर प्रेशर पर हर केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं। नाउ द बॉडी रिक्वायर्स सम फैसिलिटेटर्स। ये फैसिलिटेटर क्या है, बेसिकली एंजाइम है। अच्छा, अब फैसिलिटेटर हेल्प करेगा उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड होने में। कोई केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब रिएक्टेंट के पास कुछ इतनी एनर्जी हो कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इट मींस क्या है, रिएक्शन हो गया। कब होगा रिएक्शन, जब रिएक्टेंट है उसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, इतनी एनर्जी जो उसको हेल्प करे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इतनी एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अगर उस रिएक्टेंट के पास उतनी एनर्जी है, उतनी एनर्जी हमने दे दी, उतनी एनर्जी उस रिएक्टेंट के पास आ गई, इट मीन्स कि अब क्या होगा, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो बेसिकली एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल कम कर देते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रिएक्टेंट है, इसे पहले इतनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तब एंजाइम ने क्या किया, उस एनर्जी का लेवल कम कर दिया। अब अगर रिएक्टेंट के पास थोड़ी सी भी एनर्जी होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। यहाँ पर एक एग्जांपल है, द एक्टिवेशन एनर्जी नीड टू ब्रेक अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनिशियली रिक्वायर एनर्जी ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल। ATP क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। हमारे सेल में जो भी एनर्जी बनती है किस फॉर्म में बनती है, ATP की फॉर्म में। सेल जो एनर्जी यूटिलाइज करता है वो भी किस फॉर्म में करता है, ATP की फॉर्म में। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी है, 2 ATP मॉलिक्यूल। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम की डेफिनेशन देखें तो एंजाइम क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल मॉलिक्यूल जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते और ख़ुद उस रिएक्शन में पार्ट ना ले। मतलब क्या है कि एंजाइम का रोल क्या है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल कम कर देगा ताकि रिएक्टेंट ईजली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाए, रिएक्शन स्पीड अप हो जाए, लेकिन एंजाइम ख़ुद उस रिएक्शन में यूज़ नहीं होगा। इन द एंड ऑफ द रिएक्शन एंजाइम हमें एज इट इज़ मिलेगा, जैसा कि वो रिएक्शन के स्टार्ट में था, क्योंकि उसका रोल सिर्फ ये है कि वो उस रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ करते, बस उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और उस रिएक्शन में खुद यूज़ नहीं होता कैटलिस्ट। तो एंजाइम का फंक्शन भी एज इट इज़ है। अब बायो का वर्ड हमने क्यों लगाया है, क्योंकि वो कैटलिस्ट कहाँ प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है। इसके अलावा एंजाइम मोस्टली किससे बनते हैं, प्रोटीन से। सबसे पहले जो एंजाइम को ऑब्जर्व किया गया, कहाँ ऑब्जर्व किया गया, कैसे किया गया, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, फ्रूट सैप, उसमें उन्होंने ईस्ट डाला। फ्रूट सैप किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, फ्रूट सैप में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर प्रेजेंट है, और ईस्ट में क्या प्रेजेंट है, ईस्ट में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो उन एंजाइम्स ने क्या किया, जो फ्रूट सैप में कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में। ओके, अब हम एंजाइम के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। एंजाइम्स क्या हैं, बायो कैटलिस्ट। ये हमने देखा, मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बनते हैं। देयर फॉर 3 डायमेंशनली फोल्डेड चेन ऑफ अमीनो एसिड विद अ स्पेसिफिक शेप।
प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम। प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बहुत से अमाइनो एसिड कंबाइन होकर शॉर्ट चेन बनाएंगे, स्मॉल चेन बनाएंगे अमाइनो एसिड की। फिर वो स्मॉल चेन कंबाइन होकर एक लार्ज चेन बनाएंगे, जिसे क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। उस पॉलीपेप्टाइड की फोल्डिंग होगी, 3D फॉर्म में उसकी फोल्डिंग होगी विद स्पेसिफिक शेप। एक स्पेसिफिक शेप में उसकी फोल्डिंग होगी और वो क्या बन जाएगा? एक प्रोटीन, एक फंक्शनल प्रोटीन। अब वो प्रोटीन क्या कर सकता है? फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह एंजाइम में भी है कि एंजाइम भी किससे बने? प्रोटीन से, अमीनो एसिड की चेन से। उसकी भी क्या होती है? फोल्डिंग। 3D फॉर्म में उसकी फोल्डिंग होती है विद स्पेसिफिक शेप। अगर इस स्पेसिफिक शेप में कोई भी चेंजेस आ गई तो वो प्रोटीन क्या बन जाएगा? नॉन फंक्शनल। और उस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? फिर डीनेचर प्रोटीन। और अब वो प्रोटीन फंक्शन नहीं कर सकता, नॉन फंक्शनल हो चुका है। इसी तरह एंजाइम में भी है कि एंजाइम की अगर शेप में कोई भी चेंज आ गया तो एंजाइम क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल और डीनेचर। अच्छा, अब जो ये अमीनो एसिड्स हैं ये किस तरह से एक साथ हैं? बाय बॉन्ड्स। इनके बीच में क्या है? बॉन्डिंग हुई हुई है, जिसने इसको क्या किया हुआ है? कंबाइन करके रखा हुआ है। वो बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और एंजाइम सिंपली क्या फंक्शन कर रहा है? स्पीड अप कर रहा है केमिकल रिएक्शन को। किस तरह से? रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके, एक्टिवेशन एनर्जी वह क्या है जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए। और इसी रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं? एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या है? एंजाइम क्या कर रहा है? केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एंजाइम केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाएगा, उस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, लेकिन खुद उस रिएक्शन में यूज़ नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंजाइम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में भी प्रेजेंट है तो वो एक लार्ज क्वांटिटी में चेंज ला सकता है। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं और एंजाइम क्या है? बहुत कम। तो एंजाइम क्या कर सकता है? उन सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि एंजाइम उस रिएक्शन में यूज़ नहीं होता। इन द एंड रिएक्शन के आखिर में क्या होता है? एंजाइम अपनी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से वापस आ जाता है और फिर एक न्यू रिएक्टेंट से कंबाइन होकर उस रिएक्टेंट को फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आता है, फिर एक न्यू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से अगर एंजाइम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में भी है तो भी वो क्या कर सकता है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर सकता है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर सकता है? प्रोडक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम जिस केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है उसका जो एंड प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी या उसके नेचर पर एंजाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम उस रिएक्शन में खुद यूज़ नहीं हो रहा बल्कि सिर्फ क्या कर रहा है? उस रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड सब्स्ट्रेट। एंजाइम की जो रिएक्टेंट है जिस केमिकल रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज करवा रहा है उसके जो रिएक्टेंट है उसे हम क्या कहेंगे? सब्स्ट्रेट। कॉमन सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि एक सिंगल एंजाइम सिर्फ एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम है और हम उससे कोई भी रिएक्शन कैटालाइज करवा लें। एक पर्टिकुलर एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए ही है और उसी को कैटालाइज करेगा। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम वेयर सब्स्ट्रेट अटैच विद एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट। एंजाइम का वो पोर्शन जहाँ पर सब्स्ट्रेट अटैच होता है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है और ये क्या होगा? इसका एक्टिव साइट, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सब्स्ट्रेट आकर अटैच होगा। और जो ये शेप है एक्टिव साइट का, जो ये शेप है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके? सब्स्ट्रेट के शेप से। जैसे सब्स्ट्रेट का जो शेप है वही शेप उसके अपोजिट शेप ही किसका होगा? एंजाइम के एक्टिव साइट का। तभी वहाँ पर आकर सब्स्ट्रेट अटैच हो सकता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर सेंसिटिव टू माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सब्स्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने पीएच को या टेम्परेचर या सब्स्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा भी चेंज किया तो एंजाइम की एक्टिविटी उससे क्या हो सकती है? इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि एंजाइम क्या है? सेंसिटिव है चेंज इन पीएच से, टेम्परेचर और सब्स्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से। सम एंजाइम रिक्वायर को फैक्टर फॉर देयर फंक्शनिंग। कुछ एंजाइम को क्या, कुछ को फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। को फैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। और एंजाइम को कुछ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस रिक्वायर है एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? को फैक्टर।
को फैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक में क्या हो सकता है, कुछ आयंस हो सकते हैं जिसके जिंक आयन है, मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीज आयन है, फेरस आयन, कॉपर, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन। ये सारे आयंस क्या है, एंजाइम को रिक्वायर है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक को फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि NADP, NAD और FAD। इन चीज़ों का एंजाइम यूज़ करता है एज अ को फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनी एंजाइम वर्क इन अ सिक्वेंशियल मैनर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। एंजाइम के जो पाथवे है जिसके थ्रू वो किसी रिएक्टर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, वो क्या है, एक सिक्वेंशियल मैनर में करता है, एक सीक्वेंस में करता है। इसी पाथवे को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जांपल एंजाइम है, वो कुछ रिएक्टर से सबस्ट्रेट से अटैच हो रहा है, फिर एंजाइम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक सीक्वेंस में काम हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी पाथवे को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी इनहांस बाय एक्टिवेटर और कैन बी डिक्रीज बाय इनहिबिटर। एक्टिविटी एंजाइम की हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम एक्टिविटी एंजाइम की इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज करने के लिए हमें जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है। और इनहिबिटर का क्या रोल है कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। एंजाइम इनहिबिटर इज अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम एंड डिक्रीज इट एक्टिविटी। इनहिबिट के वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये इनहिबिट कर देगा, उसको रोक देगा एंजाइम की एक्टिविटी को, और एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एंजाइम की एक्टिविटी अगर डिक्रीज हो गई, एंजाइम ब्लॉक हो गया और एक पैथोजन वो क्या हो सकता है, किल हो सकता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो गया, उसमें क्या है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, क्योंकि वो भी क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस पैथोजन के एंजाइम्स को ब्लॉक कर दें, तो वो ऑर्गेनिज्म किल हो सकता है, डेड हो सकता है। तो इनहिबिटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई पैथोजन है उसको हम किल कर सकते हैं। किस तरह से, उसके एंजाइम्स को ब्लॉक करके।